पश्चिम ओडिशा को आपण मान को समस्त को सादरे स्वागत। पश्चिम ओडिशा, ओडिशा विदाउट बॉर्डर, जोटा कि सामूहिक अनुष्ठान मानकर गोटे मुख्य स्रोत। पश्चिम ओडिशार उद्देश्य होची ओडिया मानकर गोटे मिलित स्वर, गोटे यूनिफाइड वॉइस सृष्टि करिबा। हमरो गोटिए लक्ष्य केमिति समस्त को एकाठी करिकिरि आमे ओडिशा को पृथ्वी मानचित्र रे आगे नबू, आमर से गोटे लक्ष्य। मु प्रथम ही सजेस्ट करथिली जे ओडिशा रे भुवनेश्वर रे गोटे महासम्मेलन करिबा पाई। आज से ही सुजोग आसी 28 तारीख रे आपण देखिबे पृथ्वीर विभिन्न स्थान ओडिया माने आसीबे, तेणु आपण मानकर सहयोग सेथिपाय कि आमर निहाती दरकार। आपण मानकु निमंत्रण रहिला आपण आसीबे। समस्तंकु मु स्वागत जणौछि आज ए ओडिशा विदाउट बॉर्डर रो जो कॉन्क्लेव आमर होबा को जाउछि विश्व ओडिया सम्मेलनी, सेही परिप्रेक्षी रे आपण मानकु आज आम जो पत्रकार सम्मेलन रखीचु से समस्त को आम जो अतिथि एवं प्रेस रो जो बंधु माने आपण मान समस्त को हार्दिक संवर्धना ज्ञापन करुच्ची। समग्र विश्व रे जो ओडिया भाई भौनी माने अछंती, ओडिया बंधु माने अछंती, जो माने विभिन्न क्षेत्र रे विशेष भाव रे प्रतिष्ठित एवं समग्र विश्व रे ओडिया माने जे जोटी अछंती समस्त को गोटिए प्लेटफॉर्म रे गोटिए मंच रे एकत्रित करिवार उद्देश्य नहीं आरंभ होईची ओडिशा विदाउट बॉर्डर रो कांसेप्ट। असीम ओडिशा रो उद्देश्य होची ओडिया मानकर गोटे मिलित स्वर, गोटे यूनिफाइड वॉइस सृष्टि करिवा, जहा कि भारत सरकार के पाखरे हो, ओडिशा सरकार के पाखरे हो, विश्व दरबार रे हो, आम मान को जहा जहाँ डिमांड अच्छी जहाँ दाबी अच्छी ओडिया पाई, ओडिया जातिया जाति पाई, ओडिया भाषा संस्कृति पाई ताहा उत्थापन करी परिबो एई मिलित स्वर असीम ओडिशा। 28 रे आमे चाहूचु असीम ओडिशा ग्लोबल वर्ल्ड ओडिया कनक्लाव आमे किट ऑडिटोरियम रे करूचु, आपण मानकु निमंत्रण रहिला आपण आसीबे। आमे दिन 10:00 बेलु प्रोग्राम आरंभ करा जाउची, तो आमर इनॉग्रल सेरेमनी रे चीफ गेस्ट अछंती आमर एक्सीलेंसी गवर्नर डॉक्टर एस सी जमीर, गेस्ट ऑफ ऑनर अछंती आमर जुएल ओराम, ऑनरेबल मिनिस्टर ट्राइबल अफेयर्स श्री बैजयंती पंडा, ऑनरेबल एमपी श्री देवी प्रसाद मिश्र, ऑनरेबल मिनिस्टर इंडस्ट्री स्कूल एंड मास एजुकेशन एंड ऑनरेबल जस्टिस डॉक्टर अरजित प्रसाद। जिते ओडिया एसोसिएशन अच्छा पूरा पृथ्वी रे नहींक्री गोटे डिस्कशन करूँ किशा को कमी पृथ्वी मानचित्र आम आगे नबू कौन कले आम ओडिशा को आउट के आगे नहीं पारू अन्य राज्य भाया। डिसेंबर 28 रे आम किट ऑडिटोरियम रे करिवा को जाऊछु प्रथम थरपाई विश्व ओडिया महासम्मेलनी। ये जो विश्व ओडिया महासम्मेलनी या भितर प्रवासी ओडिया जिते अच्छा सारा भारत बर्षर भारत बाहर जिते मान्यगण्य ओडिया व्यक्ति अच्छा समस्त आसुंच अति खुशी विषय जे प्रथम थर पर आम गोटाए मंच सबू एत मान्यगण्य ओडिया को आणिक आम एकत्रित करूँ आगे नवर जो प्रचेषा आमर जो चिंताधारा जे आम ओडिशा को केमी नूतन भाव में नूतन दिग्दर्शन देखिए आम आगे जावा आमर प्रवासी ओडिया तरफ रू कौन हो पार मिलसिकी आम ओडापी ओडा सरकार भी हाथ देखिए कमी आगे पारे ओडिया लोकंर गोटे नुआ इमेज हे ब्रांड बिल्डिंग हम ओडार जमी इज्जत को आम आहरी विश्व दरबार में पहुँचे पारे से ही प्रचेषा। मत खाली गोटे छोटिया गप आपण को कहार अच्छे जदि जाणी तथापि आउ थे शुणीदेव बेलून बाला गोटे पूरी समुद्रकूल में बेलून बिकुला ग्यास बेलून उड़ब गोटे छोट छुआ जा पचारा कहला मऊसा सी जो नालिया बेलून उड़ब से कहला हाँ बापा उड़ब ना नेलिया बेलून ना सी भी उड़ब ना जो गारगारिया बेलून अच्छे से उड़ब बेलून बाला छुआ को बुझेला कहला बापा बेलून उड़ा पचर तार रंगर किसी महत्व नहीं गेटअप्र कि महत्व नहीं भितर जो इन थिंग अच्छे जो ग्यास टी अच्छी उड़ सी उड़ाऊ। असीम ओडिशा, ओडिशा विदाउट बॉर्डर एकमात्र प्रयास वर्तमान होची जे आम भितर कौन ग्यास अच्छी जहाँ आमको उड़े कि विश्व दरबार में सबुत्र ऊपर को नब ताकू खोजा,
ତେଣୁ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ୟାକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 2014, 2015, 2020 ମସିହାରେ କ'ଣ ଆମକୁ ନେଇକି ଆଗକୁ ଯିବ, ସେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ହଉ, ସେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନିୟରସିପ୍ ହଉ, ଯେଉଁ ବିଭାଗରେ ହଉ, ଆମେ କୌଣସି ବିଭାଗ ଛାଡ଼ିବାର ଯୋଜନା କରିନାହୁଁ। ଇଏ ଗୋଟେ ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରୟାସ, ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଉପରକୁ ଉଠିବାର ପ୍ରୟାସ। 28 ତାରିଖ ଯେଉଁ କନକ୍ଲେଭ୍ କରୁଛୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱ ଓଡ଼ିଆ ସମ୍ମିଳନୀ, ଏଥିରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରୁ ବିଭିନ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିଶିଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଆୱାରନେସ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଓଡ଼ିଶାରେ। ଏବଂ ଏଇ ଆୱାରନେସ୍ ହେଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଆମାନେ କେମିତି ଏକାଠି ହୋଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ଦିଗରେ କେମିତି କାମ କରିପାରିବେ। ଆଜି ସେହି ସୁଯୋଗ ଆସିଛି। 28 ତାରିଖରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଆସିବେ, ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ସେଥିପାଇଁ କି ଆମର ନିହାତି ଦରକାର। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ହିଁ ସଜେଷ୍ଟ କରିଥିଲି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟିଏ ମହାସମ୍ମିଳନୀ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇ କଥା ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରଥମ ଦିନ ହିଁ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ 2013 ଅଗଷ୍ଟ 9 ସେଇ ଦିନ ହିଁ ମୁଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଯେଉଁ ମୋର ଯେଉଁ ବ୍ରିଫ୍ 5 ମିନିଟ୍ ମୋତେ କହିବାକୁ ସମୟ ମିଳିଥିଲା, ମୁଁ ଏଇ ସଜେସନ୍ଟି ହିଁ ସେଠି ସେତେବେଳେ ଦେଇଥିଲି ଯେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ସବୁ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ କଲେ ଜନ୍ମ ହେଲା ଆର ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ନେଇକରି ଏଇଟା କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ମହାସମ୍ମିଳନୀ ହେବା ଦରକାର ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ନେଇ। ଆମର ଯେଉଁ ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅସୀମ ଓଡ଼ିଶା, ଓଡ଼ିଶା ୱିଦାଉଟ୍ ବର୍ଡ଼ର, ଯେଉଁଟାକି ସାମୂହିକ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତ, ଯେଉଁଟା ସବୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟିତ ଆଜି, ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁଟା ଆଗେଇ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିକି, ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ କେମିତି ସମନ୍ୱୟ କରିକି ତାକୁ ଆଗେଇ ନେବ, ଯେଉଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକତା ଆମେ କରିବାକୁ ଆଜି ଯାଉଛୁ, ତାରି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆପଣଙ୍କ ଗହଣରେ ଆମେ ଆଜି ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଓଡ଼ିଶାରେ ରହୁଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ରହୁଥିବା, ଭାରତ ବାହାରେ ରହୁଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସୂତାରେ ଗୁନ୍ଥିବାର ପ୍ରୟାସ ହେଉଛି ଅସୀମ ଓଡ଼ିଶାର। ୟାଦ୍ୱାରା ହେବ କ'ଣ, ସିଧା ସିଧା କଥାରେ କହିଲେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଅଛନ୍ତି, ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବ, ଏବଂ ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି ହେବ। ଘରେ ରହୁଥିବା ଓଡ଼ିଆମାନେ ବେଶୀ ଉନ୍ନତି କରିବେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ରହୁଥିବା ଓଡ଼ିଆମାନେ।